जय हिंद दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे साथियों का एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग को, जिसके अंतर्गत आज हम केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जानेंगे भी स्टेट में किस प्रकार से लागू होता है और केंद्र सरकार के उस प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में क्या क्या है वो चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के साक्षरता प्रोग्राम को लेकर। इस पर आधारित अगर आप पूर्व के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप देखेंगे 2015 वाली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी इस लिटरेसी से संबंधित एक क्वेश्चन है वो आया था। अब देखिएगा, जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो आपने सुना होगा हम बात करते हैं एडल्ट एजुकेशन की, यानी प्रौढ़ शिक्षा की, यानी 15 साल से अधिक जो असाक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना, यानी देश के अंदर 100% लिटरेसी हो। इसके लिए स्कूल है, कॉलेज है, वो सब चल रहा है अपना, लेकिन जो वंचित रह जाते हैं स्कूल से उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो सबसे पहले तो आज की जो नई बात है वो मैं बता दूं, जो कार्यक्रम पहले एडल्ट एजुकेशन के नाम से चलते थे, अब इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। तो जो एडल्ट एजुकेशन था अब उसका नया नाम कर दिया है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं। लिटरेसी के जो भी कार्यक्रम चलते हैं या इनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए हमारे राजस्थान के अंदर भी एक निदेशालय है, जयपुर में, साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर के अंतर्गत। और इस केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट होता है उसको लागू करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है सलमा। जैसे केंद्र में नलमा होता है, यहां हमारी सलमा है। सलमा फुल फॉर्म की बात करें, एस यानी स्टेट, एल यानी लिटरेसी, एम यानी मिशन, ए यानी अथॉरिटी, यानी स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। फुल फॉर्म भी आपको पता है, कई बार पूछ लेते हैं तो इसलिए हम यहां जिक्र कर रहे हैं। हिंदी में बात करें तो राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण अथॉरिटी। तो समझिएगा, अब केंद्र सरकार का लिटरेसी को लेकर जो भी कार्यक्रम होता है वो हमारे निदेशालय और उसके साथ काम करने वाली उसके अंडर में जो सलमा जो बॉडी होती है ये मिलकर उसको लागू है वो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके तहत अब से पहले जो पुराना कार्यक्रम जो चल रहा था पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, थोड़ी सी ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला है साक्षर भारत कार्यक्रम। अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए भी साक्षर भारत कार्यक्रम ये कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला। तो बताना चाहूंगा, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर 2009 को इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी और ये 31 मार्च 2018 से खत्म हो चुका है। तो 2009 से लेकर 2018 तक चला, वही साक्षरता 100% प्राप्त करनी है जो भी है, लेकिन फिर भी देखा गया भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त ये कार्यक्रम है वो नहीं कर पाया। तो भारत सरकार ने फैसला लिया भी इस कार्यक्रम को हम बंद कर रहे हैं। 2009 से चला, 18 में बंद कर दिया। अब आपको पता है ये जो कार्यक्रम चलता था इसके अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे, जो स्वयं सेवक थे, जो प्रेरक थे, उन्हें कुछ मानदेय मिलता था, उन्होंने खूब आंदोलन भी किए, हमारा क्या होगा, वो इस उम्मीद से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे भी शायद कभी कोई फायदा मिल जाए और जॉब में कोई बेनिफिट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साक्षर भारत कार्यक्रम 2018 में बंद हो गया। अब ये चला भी नया कार्यक्रम भी, हाँ चलाएंगे चलाएंगे, कभी ये सुनने में आया था भी नहीं चलेगा, लेकिन आखिरकार घोषणा हो जाती है। अब यहां से विशेष ध्यान दीजिएगा, तो सरकार, भारत सरकार एक नया कार्यक्रम लेकर आई लिटरेसी को लेकर, वो है पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान। तो साक्षर भारत कार्यक्रम बंद होने के बाद सरकार कौन सा नया कार्यक्रम लेकर आई, पढ़ना लिखना अभियान लेकर आई। जब इस अभियान की घोषणा की गई थी 8 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा की गई थी, साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 को इसकी जब घोषणा की गई थी तो यह टारगेट रखा था भी ये जो कार्यक्रम है वो 2030 तक चलेगा, 2030 तक चलेगा, यानी हम 10 साल के अंदर भारत को पूर्ण साक्षर है वो कर देंगे।
ये टारगेट रखा गया। और राजस्थान की बात करूं, क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े हैं, तो पढ़ना लिखना अभियान है, इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई तो आपको बताना चाहूंगा अगर जरूरत पड़े कहीं। राजस्थान में ये 8 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था, इसका शुभारंभ राजस्थान में, ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। हालांकि आज की बात करें तो ये साहब भी फेल हो चुके हैं, ये कार्यक्रम 1 साल के अंदर ही दम तोड़ चुका है, कारण भी बताएंगे क्यों। पढ़ना लिखना अभियान 8 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा हुई, 2030 का टारगेट रखा और राजस्थान में 8 फरवरी 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। लेकिन आपको पता है हमारी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वो लागू हो गई, तो जैसे ही वो लागू हुई तो उसके बाद इसके ऊपर नए सिरे से काम करना स्टार्ट कर दिया सरकार ने। और 19 जनवरी 2022 गौर कीजिएगा, 19 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया भी हम इस अभियान को तो बंद कर रहे हैं और नया अभियान चला रहे हैं। जनवरी में डिसीजन हो गया भी नया अभियान, और कौन सा? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और पहले वाला जिसका टारगेट हमने 2030 रखा था, अब हम उसको यही बंद कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पढ़ना लिखना अभियान 2020 से 31 मार्च 2022 तक ही चला। 31 मार्च 2022 तक टारगेट कितना रखा था? पहले 30 का रखा था, लेकिन उससे पहले ही नया प्रोजेक्ट आ गया तो इसको बंद कर दिया गया। तो बस बेसिक ध्यान रखिए, पढ़ना लिखना अभियान 2020 से 31 मार्च 2022 तक चला। राजस्थान में इसका शुभारंभ 8 फरवरी 2021 को हुआ और नई पॉलिसी के तहत अब एक नया कार्यक्रम आ गया। इसके बारे में आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। और नया कार्यक्रम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका टारगेट कहां से कहां तक ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 से, ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक। अब तो सबसे पहले यही बात पता हुआ आपको, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कितने टाइम के लिए चलाया जा रहा है, अब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027, यानी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए, महीनों की बात करें तो 12 × 5 = 60, यानी 60 महीने का ये कार्यक्रम गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार लेकर आई है, जो राजस्थान में भी सलमा और निदेशालय के माध्यम से स्टार्ट हो चुका है। 1 जून से इसकी विधिवत क्लासेस हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, राजस्थान में भी ये लागू हो गया है। और इसके अंतर्गत जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, ETLM जो चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टीचर लर्निंग जो मटेरियल है, यानी किस प्रकार से क्या पढ़ाना है, क्योंकि हर स्टेट की अपना अपना जो सिस्टम है वहाँ के अकॉर्डिंग ही हम अगर सिलेबस तैयार करेंगे तो शायद उस चीज़ को, जो भी अभियान हम चलाते हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। तो इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए जो TLM टीचर लर्निंग मटेरियल है, उसका डेवलपमेंट है, वो कौन करेगा? वो करेगी SCERT, जो अपना उदयपुर के अंदर है, SCERT जो उदयपुर में है, उसके अंदर एक नया सेंटर बनाया गया है, SCL, राज्य साक्षरता केंद्र, स्टेट सेंटर ऑफ लिटरेसी। तो उसका काम रहेगा इसके लिए टीचिंग मटेरियल है वो तैयार करना, क्योंकि पढ़ाने वालों को बताएं तो सही भी, आपको ये पढ़ाना है इस तरीके से, तो इस प्रकार का सारा काम। तो यानी सलमा की हेल्प कौन करेगा? SCERT उदयपुर के अंदर SCL का अलग से गठन कर दिया है, बजट है वो भी उसको दे दिया गया, भी ठीक है आप अपना ऑफिस बनाओ और ये लिटरेसी का अगले 5 साल के लिए यहाँ पर आपको काम है वो करना है। एक चीज यहाँ और बात कर लेते हैं, जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती है मोस्टली, तो उसमें धन भी खर्च होता है, करोड़ों की बात होती है, तो इसका जो खर्चा है वो है 60-40 का रेशियो है, यानी 60% जो राशि है इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार देगी और 40% है वो राज्य सरकार है वो खर्च करेगी।
तो 60-40 का इसका रेशो रहता है, नॉलेज के लिए ये भी ध्यान रखिए। लेकिन इसमें भी एक बात है, जो अपने हिमालयी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और जो अपने उत्तर पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो जो हैं, इनके लिए केंद्र सरकार 90% राशि देती है और राज्य को केवल 10% ही खर्च करना होता है। लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए जो रेशो रहता है, खर्च अनुपात जो है, वो 60% और 40% का रहता है। ये आगे जाकर जब हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो वहां पर भी यही सेम सिस्टम, सामान्य राज्यों के लिए 60-40% और हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें 90 और 10 का रहता है, यानी 90% राशि केंद्र सरकार देती है और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। NILP नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो कि 2022 से 27 तक 5 साल का टारगेट रखा है, भारत के अंदर अनुमान किया गया है भी 5 करोड़ लोग निरक्षर हैं और हर साल 1 करोड़ लोगों को साक्षर करने का टारगेट है वो भारत के अंदर रखा गया है। इसके तहत क्या किया गया है, 15 वर्ष या इससे अधिक, ध्यान दीजिए 15 साल वाला भी शामिल है, क्योंकि 14 साल वाला क्यों नहीं है, क्योंकि 14 वालों को तो हम अनिवार्य शिक्षा RTE लागू है, पढ़ाना ही पढ़ाना है। 15 साल या उससे अधिक आयु के जो असाक्षर व्यक्ति है उनको साक्षर करना, यही हमेशा का जो परिभाषा रही है लिटरेसी की, 15 साल और 15 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको साक्षर करना है, पढ़ाना है। और किन के माध्यम से, स्वयं सेवकों के माध्यम से, वॉलेंटियर्स के माध्यम से। यहां पर आपको याद कीजिए, मैंने कहा था साक्षर भारत कार्यक्रम में जो काम करता था उसको कोई 1000-2000 रुपए मानदेय मिलता था, लेकिन यहां पर सरकार ने क्लियर कर दिया है भैया कुछ नहीं मिलेगा, यहां सेवा कीजिए। वो आप कम से कम 5 पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उसको स्वयंसेवक बना दो, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकता है, सरकारी टीचर हो सकता है, प्राइवेट टीचर हो सकता है, रिटायर्ड टीचर हो सकता है, कोई जो BEd BSTC की इंटर्नशिप करने वाले कोई भी छात्र हो सकते हैं, क्योंकि हर 10 असाक्षरों के ऊपर एक वॉलेंटियर, एक स्वयंसेवक का चयन करना है। और इसके लिए कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार के स्थायीकरण की मांग ये नहीं करेंगे, ये भी लिखवा लिया जाएगा। तो अब राजस्थान में भी ये लागू हो गया है, तो आपको बताना चाहूं 1 जून के आसपास क्लासेस स्टार्ट होने का अनुमान है। और इसके पहले चरण में, इस पूरे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान ने जो टारगेट रखा है एज ग्रुप का, वो रखा है 15 साल से 35 साल का भी। हम पहले चरण में 15 साल से 35 साल के जो असाक्षर जो लोग रह गए हैं उनको हम पहले साक्षर करेंगे। ये राजस्थान के संदर्भ की बात यहां बता रहा हूं। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो करवाई जाएगी, तो सबसे पहले आता है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, अर्थात FLN, फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये आपको जो कार्यक्रम है, 5 कार्यक्रम है और इनके अंदर कुछ और बातें हैं, ये आपको अच्छे से कवर करनी है। 2015 में जो मैंने कहा ना एक प्रश्न आया, वो यहीं से आया था। अब आप सोचेंगे भी अब तो सिलेबस चेंज हो गया, भाई ये डायरेक्ट तो पहले भी नहीं लिखा हुआ था, अभी ये सिलेबस में है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलते हैं सेंटर के, तो इसलिए इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत जो मेन भी इसके अंदर क्या करवाया जाएगा, तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के ऊपर जोर रहेगा, जिसमें उस निरक्षर को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा और संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। दैनिक जीवन में जोड़ घटाव गुणा भाग की जो उसको जरूरत होती है, वो चीजें इस बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी FLN के माध्यम से दी जाएगी, उसी की भाषा में दी जाएगी, उसी क्षेत्र के हिसाब से दी जाएगी। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है व्यवसायिक कौशल विकास, यानी उसको पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान के साथ साथ कुछ हाथ का हुनर भी सिखाया जाएगा, उसके हाथ के हुनर का विकास किया जाएगा ताकि स्थानीय क्षेत्रों के अंदर उसको रोजगार मिल सके, कुछ सीखने को मिलेगा तो आएंगे लोग, वरना कागजों में चलेगा सब कुछ। तीसरा आता है बेसिक शिक्षा, जिसे हम पहले समतुल्य शिक्षा के नाम से भी जानते रहे हैं। बेसिक शिक्षा इसका मतलब आप उसको पढ़ा लिखा रहे हो, पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करते जा रहे हो,
कौशल भी सिखा रहे हो, तो भैया उसको कुछ मार्कशीट देने का काम भी कर दो। तो इसके तीन स्टेप हैं, जैसे आप पहले 3 से 5 तक की क्लासेस का चीजें करवा दें, इनके समकक्ष उनको परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दे दें, फिर धीरे धीरे 6 से 8 6ठी 7वीं 8वीं तक का सिलेबस करवा कर उनके अकॉर्डिंग कोई परीक्षा लेकर ये कर दिया जाए, फिर धीरे धीरे कोशिश की जाए उन्हें स्कूल एजुकेशन के सिस्टम से जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी एज हो सकता है ज़्यादा हो तो वो स्कूल में तो एडमिशन लेंगे नहीं। तो इसके लिए जो ओपन स्कूल चलते हैं, NIOS है, चाहे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उनके माध्यम से उनको 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा है वो भी करवा दी जाए। तो इनको पढ़ाकर एक परीक्षा ली जाए और किसी क्लास के समतुल्य उसको वो प्रमाण पत्र भी दे दिया जाए। तो यूं नहीं अभी 5वीं का प्रमाण पत्र दे दिया और उसको छोड़ दें। अब हमारा प्रयास रहेगा भी उसको सतत शिक्षा मिले, कंटिन्यूअस शिक्षा मिले, वो अपनी 5वीं 8वीं 12वीं करता जाए और उसके रुचि के अनुसार, चाहे साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, गेम्स में, किसी भी तरीके से उसको सतत रूप से आगे बढ़ाया जाए, यानी उसका भी ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाए, वो जीवन में खुश रह सके, अपना और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सके। तो सतत शिक्षा जरूरी है। तो बुनियादी साक्षरता, व्यवसायिक कौशल, बेसिक शिक्षा, सतत शिक्षा, इन सब के साथ साथ जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्रिटिकल जीवन कौशल का ज्ञान भी उसको दिया जाए। जीवन के अंदर जब कोई नाजुक समय आ जाए, कोई अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सके, जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए उसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है, उन सब की जानकारी देने के लिए ये इसका और भी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इन सब के साथ साथ, वो है क्रिटिकल जीवन कौशल। अब आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल जीवन कौशल के अंतर्गत किन किन चीज़ों को यानी आयामों को शामिल किया गया है। इसमें उसे वित्तीय साक्षरता दी जाए, बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की, उनके बारे में जानकारी दी जाए, बचत की जानकारियां उसको दी जाए। तो ध्यान रखिए वित्तीय साक्षरता संबंधी सामान्य जानकारी उसको दी जाए, कानून, विधिक, लीगल लिटरेसी, कानून की समझ उसके अंदर पैदा की जाए। तीसरा डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर का बेसिक चीजें उसको सिखाई जाए। चौथा है आपदा प्रबंधन, अचानक कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोई आपदा आ गई तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, इसका ज्ञान दिया जाए। तो वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपदा प्रबंधन, व्यवसायिक कौशल है वो भी उसको सिखाया जाए। यहाँ हम विकास कर रहे हैं, यहाँ हम उसको कुछ नया सिखाएं, अगर उसको कुछ नहीं आ रहा तो कुछ कमर्शियल चीज़ें उसको सिखाएं, स्किल डेवलपमेंट करें उसके अंतर्गत, बाल देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी जाए उसको, आहार संबंधी आदतें, खाना किस प्रकार से, कौन सा खाना लेना चाहिए, कौन सा खराब है, कौन सा सही, उसकी जो चीज़ें हैं वो उनसे, उनके बारे में जानकारी दी जाए। अब आज आपको पता है ना मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उनसे कैसे बचे जा सके, कैसे बीमारियों से बचा जा सके, किस प्रकार खाने को नियंत्रित करके उसकी अच्छी चीज़ों को सीखकर हम जीवन को, अपने शरीर को खुश, मतलब सुखी कैसे रख सके। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी जानकारियां हैं वो उसको दी जाए, उसे एक्सरसाइज यानी व्यायाम और योग के बारे में बताया जाए, तंबाकू सेवन बंद करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए, तंबाकू के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, शराब के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ें उसको बताई जाए, सड़क यातायात दुर्घटना का प्रबंधन कैसे आए, रोड पर चलने के सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो उसको सिखाया जाए, घटना घटित हो जाए तो क्या करना चाहिए उसके बारे में उसको बताया जाए, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, किस प्रकार अगर अचानक कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है तो किस प्रकार फर्स्ट एड उसका किया जाए इसके बारे में बताया जाए, वोटर रजिस्ट्रेशन उसका किस प्रकार किया जाए, आधार रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, KYC किस प्रकार से की जा सकती है मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो मुख्यतः क्रिटिकल जीवन कौशल के अंदर स्पष्टता इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखी है, तो
आप इनको अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मेन मेन चीज सारी आ गई, तो अलग से क्या याद रखने की है? मेन वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपदा प्रबंधन, ये बड़ी चीजें हो गई। बाकी हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये सब चीजें हमें पता है। तो कुल मिलाकर हर प्रकार की शिक्षा, नॉलेज, जीवन कौशल की बातें हैं वो इस कार्यक्रम के तहत है। वो जो असाक्षर लोग हैं उनको साक्षर करते समय ये चीजें उनको बतानी है। तो इस प्रकार से आप समझ गए ना भी, साक्षर भारत कार्यक्रम बंद हो गया, फिर पढ़ना लिखना अभियान आ गया, ये भी अब बंद हो गया भाई मार्च में। अब नया जो चल रहा है वो अपना नव भारत साक्षर कार्यक्रम है। अब आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा और इस चीज के ऊपर आप जरूर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा भी, ये कब से कब है और क्या किस तरीके से होना है इसका सिस्टम, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी आप, मैं हट जाऊंगा साइड में। और उसके बाद हमारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग को लेकर एक पॉइंट और रहता है, जो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो बीकानेर है उसकी सामान्य जानकारी भी हम अभी प्राप्त कर लेंगे। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करेंगे आज का अपना अंतिम टॉपिक, और दोनों माध्यमिक शिक्षा विभाग हो चुका है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे जो बॉडीज हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके ऊपर बात है वो करेंगे। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं पंजीयक, इंग्लिश में कहते हैं जिसको रजिस्ट्रार, और किसका? शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो बीकानेर के अंदर है। एक तो ये ध्यान रखिए, पंजीयक कार्यालय है कहां? बीकानेर के अंदर है, और ये अपने स्टेट लेवल का स्वतंत्र कार्यालय है। इसका जो कार्यालय अध्यक्ष होता है वो रजिस्ट्रार होता है, जो कि उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है, और इसका काम है जो विभागीय परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करने का है। बस आप इतना ध्यान रखें भी ये कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करता है। तो आप गौर करेंगे यहां केवल चार तरह के कार्यक्रम वर्तमान में इसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है अपना ये जो आपका बीएसटीसी का जो पेपर होता है, प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन के बाद बीएड कॉलेज, जो बीएसटीसी कॉलेज मिल जाता है। अब आपके पहले साल और दो साल की बीएसटीसी होती है, डीएलडी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके एग्जाम दोनों सालों के ये पंजीयक ही करवाता है। ध्यान रखिएगा, डीएलडी के पहले और दूसरे साल के एग्जाम यही करवाता है। जैसे दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा जो स्कूल के अंदर पढ़ते हो, एग्जाम कौन लेता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेता है। इसी प्रकार आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो लेकिन बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम है वो यही पंजीयक करवाता है। उसके बाद दो संगीत से संबंधित परीक्षाएं हैं जो कुछ जगह चलती है, जिसमें एक है संगीत भूषण परीक्षा और दूसरी है संगीत प्रभाकर परीक्षा, जो कि कोटा और झालावाड़ के अंदर चलती है। संगीत भूषण परीक्षा ये आयोजित करता है, संगीत प्रभाकर परीक्षा ये आयोजित करवाता है, और उसके साथ साथ पांचवीं बोर्ड परीक्षा और आठवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन वर्तमान में यही पंजीयक करता है। तो बस इतनी सी बात आपको पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बी इसका ऑफिस बीकानेर में है, स्वतंत्र है, और ये बीएसटीसी पहले और दूसरे साल का एग्जाम करवाता है, संगीत भूषण, संगीत प्रभाकर परीक्षा आयोजित करवाता है, और पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा ने मूल्यांकन का कार्य है वो भी पंजीयक द्वारा किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भी आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। हम इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, हर चीज़ उस चीज़ को छुएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।